नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा राम यादव और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में। ये जो वीडियो है आपके आने वाले जो राजस्थान में कंपटीशन के एग्जाम है उनमें काफी सहायता प्रदान करेंगे। 1857 की क्रांति के समय देश में गवर्नर जनरल कैनिंग थे। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना 1832 में हुई थी और इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो एजीजी था। एजीजी को हम एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे। और जो हमारे राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो था लॉकेट। और क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो इसका मुख्य मुख्यालय था वो था अजमेर में। और 1845 में एक और शाखा बना दी गई आबू के अंदर, क्योंकि गर्मी अंग्रेजों को अधिक सहन नहीं होती थी, इसलिए इनकी एक शाखा बना दी गई थी इस कार्यालय की। अजमेर से एक और शाखा बना दी गई आबू के अंदर, माउंट आबू सिरोही में 1845। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय, उन्होंने पूरे राजस्थान में अपने पीए छोड़ रखे थे। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय जयपुर के अंदर पीए का नाम था इडन और राजा का नाम था 1857 क्रांति जयपुर का जो राजा था उसका नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय गुलाबी कलर, जयपुर को गुलाबी कलर देने वाला, गेरुआ रंग देने वाला, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो राम सिंह ही था। कोटा का उस समय पीए था बर्टन और उस समय राजा यही था राम सिंह द्वितीय, इसी के अधीन आता था। मेवाड़ का जो पीए था वो था सावर्ष और उस समय मेवाड़ के राजा थे स्वरूप सिंह। मारवाड़ का जो पीए था वो था मेघ मौसन और मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था तख्त सिंह। और तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। तख्त सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी। इन छावनियों को हम एक टिक से याद कर सकते हैं, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ए का मतलब है एजनपुरा छावनी, ये पाली के अंदर थी। और नी का मतलब नीमच है जो मध्य प्रदेश के अंदर थी। और राजस्थान से बाहर वर्तमान में ये राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी है, बाकी जो 5 छावनी है वो राजस्थान के अंदर है। और ने का मतलब था नशीराबाद, नशीराबाद छावनी अजमेर के अंदर है। और ब्या ब्यावर जो छावनी थी वो भी अजमेर के अंदर आएगी। ए का मतलब है देवली, देवली टोंक में पड़ती है। और खा का मतलब यहाँ पर खेरवाड़ा है, खेरवाड़ा जो छावनी थी वो उदयपुर में पड़ती है। देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और उस समय राजस्थान के अंदर जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे वो आबू के अंदर थे। इसको सूचना इस क्रांति की मिली थी 19 मई को। तो सबसे पहले जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उसने सभी राजाओं को शाही संधियां याद दिलवाई। जो शाही संधियां हुई थी वो 1818 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शाही संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ में, वो करौली रियासत ने की थी 1817 में की थी। पूर्ण शर्तों सहित शाही संधि कोटा ने की थी, वो भी 1817 में हुई थी। और सिरोही ने सबसे अंत में 1823 के अंदर शाही संधि की थी। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सभी राजाओं को खत लिखा और ये शाही संधियां याद दिलवाएगी कि जब हमारे मुसीबत आती है तुम हमारे काम आओगे और जब तुम्हारे मुसीबत आएगी तो हम काम आएंगे। अजमेर में एक इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी थी सेना की, उसका नाम था 15 NI। वो अजमेर के अंदर थी और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने घबरा कर उस 15 नेटिव इन्फेंट्री को, ताकि ये इसको नसीराबाद है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और नसीराबाद पहले से एक और टुकड़ी थी उसका नाम था 15 30 NI। अजमेर से जो टुकड़ी आई थी उसका नाम था 15 NI। और नसीराबाद में पहले से जो नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी थी उसका नाम था 30 NI। तो अब नसीराबाद में 2 हो चुकी थी, 15 NI और 30 NI। तो यहाँ पर जो सैनिक थे भारत के उन्होंने
यहाँ का जो मेन सेनाधिकारी था उसका नाम था न्यूबरी। उस न्यूबरी को पूछा गया कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या कि तुम हमें अजमेर से या नसीराबाद लेकर आ गए। तो ये न्यूबरी है ये सही जवाब नहीं दे पाया और भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने न्यूबरी को मार दिया। और ये जो शुरुआत होती है वो 28 मई को होती है। और जो अंग्रेज थे न्यूबरी को मार दिया, न्यूबरी नामक अंग्रेज को यहाँ पर मार दिया गया। और जो भारतीय सैनिक थे यहाँ से वो सीधे दिल्ली भाग गए। इसके बाद 3 जून 1857 को नीमच के अंदर क्रांति भड़की। यहाँ पर एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग नाम का सैनिक था, ये अवध का था। और जो एक यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था एबोट। एबोट ने सभी सैनिकों को शपथ दिलानी शुरू की। तो ये एबोट ने कहा सभी सैनिकों की तो हम सभी है वो हमारे वफादार रहोगे, हमारे प्रति वफादार रहोगे। तो मोहम्मद अली बेग नाम का जो सैनिक था उसने मना कर दिया कि हम क्यों आपके प्रति वफादार रहें। और सैनिक मोहम्मद अली बेग ने इस एबोट को गोली मार दी। गोली मारने के बाद जो नीमच के अंदर कुछ अंग्रेज बच्चे हुए थे वो सारे के सारे एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक डूंगला गांव पड़ता है वहां पर आ गए। और यहाँ पर जो मेवाड़ का सावर्ष पीए था उसने स्वरूप सिंह को भेजा इन चित्तौड़गढ़ डूंगला गांव के अंदर इन अंग्रेजों को लेने के लिए। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सैनिक मोहम्मद अली बेग ने क्यों मना किया था। इसका कारण था क्योंकि सैनिक मोहम्मद अली बेग था ये अवध का था। और अवध की एक महारानी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल के ऊपर अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसका सारा जो साम्राज्य था वो छीन लिया था। इसलिए सैनिक मोहम्मद अली बेग ने वफादार रहने से मना कर दिया था और इसको गोली मार दी थी। तो ये जो स्वरूप सिंह है ये चित्तौड़गढ़ डोंगला गांव से इन अंग्रेजों को जग मंदिर ले गया। और जग मंदिर के अंदर गोकुल चंद एक आदमी था उसकी देख रेख के अंदर इसको छोड़ दिया। अब 21 अगस्त को क्रांति जो पाली के अंदर एक एरियनपुरा नाम की छावनी थी उसके अंदर भड़क चुकी थी। यहाँ पर शिव सिंह के नेतृत्व में सभी सैनिक जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने एक नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और वो आउवा की तरफ आई है। आउवा नाम का एक स्थल है पाली के अंदर। यहाँ के जो ठाकुर थे उस समय वो थे कुशाल सिंह। इन सैनिकों को कुशाल सिंह ने भारतीय जो सैनिक थे उनको कुशाल सिंह ने शरण दे दी। शरण देने के बाद में पाली के अंदर ही अब युद्ध होंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास की। एक था बिठोड़ा का युद्ध और एक था चेलावास का युद्ध। पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था। याद रख सकते हो बेट चेला। तो बिठोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर को हुआ था और चेलावास का युद्ध है वो 18 सितंबर को हुआ था। बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो कुशाल सिंह और ओनाट सिंह के बीच हुआ था। कुशाल सिंह तो आउवा के ठाकुर थे और ओनाट सिंह है वो जो तख्त सिंह था राजा उसका सेनापति था। इनके बीच में युद्ध हुआ था ये याद रखना है। बिठोड़ा का युद्ध है वो कुशाल सिंह ने जीता था, ओनाट सिंह को मार दिया गया। दूसरा जो युद्ध होता है पाली के अंदर उसको चेलावास का युद्ध कहते हैं। इसी ये 18 सितंबर को हुआ था। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा। ये जो युद्ध हुआ था वो एजीजी जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस और कुशाल सिंह के बीच हुआ था। यहाँ इसमें पीए जो मारवाड़ का पीए था उसने भी भाग लिया था मेघ मौसम ने। तो इस युद्ध में भी कुशाल सिंह है वो जीत गया था। और जो मेघ मोशन था उसका गला काट दिया गया। और अउवा का जो किला था उसके ऊपर इसके गले को लटका दिया गया था। उसके बाद सारे जो अंग्रेज है वो सतर्क हो गए थे और कर्नल होम स्वेडिशा के नेतृत्व में सेना भेजी और पूरा अउवा का जो इलाका था उसको घेर लिया गया। तो जब अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ये लगा कि अब हमारे कंट्रोल की बात नहीं है तो इसने सारा जो किले का भार है वो पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था।
और इसके बाद जो कुशाल सिंह है उदयपुर में सलुम्बर सलुम्बर आ गए थे, और सलुम्बर में जोध सिंह के यहाँ इन्होंने शरण ली। फिर ये सलुम्बर से नीमच चले गए और नीमच में जाकर इन्होंने सरेंडर कर दिया था अंग्रेजों के सामने। तो इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया था, और जो कहा जाता है कि जो कुशाल सिंह है इनकी जो मृत्यु है वो उदयपुर में हुई थी। 1857 की क्रांति की माता सुगाली माता को कहा जाता है। सुगाली माता की जो प्रतिमा वर्तमान में है वो बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर स्थित है। तो इसको 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कहा गया है। 1857 की कुल देवी कहलाती है, और जो आगुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह उनकी भी ये कुल देवी थी, क्योंकि 1857 क्रांति में जो भाग लेने वाले सैनिक थे वो इसको कुल देवी पूजा करके, कुल देवी की तरह पूजा करके फिर भाग लेते थे युद्ध के अंदर। तो जो अंग्रेज थे इसको अजमेर ले आए थे, और अब वर्तमान के अंदर है ये जो मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर। एक छोटा सा टॉपिक ये भी याद रखना है कि स्वरूप अंग्रेजों को जग मंदिर में लेकर आया था और गोकुल चंद की देखरेख में छोड़ा था। इसी जग मंदिर के अंदर करण सिंह ने सांझा को शरण दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास की घटना है।